अब आप सोच रहे होंगे भाई इसमें पत्थर पत्थर गिरेगा तो क्या होगा। भाई ये काफी मजबूत होते हैं। अगर आप 360 देखोगे और फिर भी अगर आपकी गाड़ी कहीं टकरा रही है तो आपसे नूब ड्राइवर कोई नहीं हो सकता। DRL का पूरा यहाँ पर सेटअप दिया गया। हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। स्वागत है भाई आपका आज के इस नए ब्लॉग में। आज भाई अपने सामने है MG हेक्टर की ब्लैक स्टॉर्म। ब्लैक स्टॉर्म भाई एक नई एडिशन है जो MG ने लॉन्च किया। भाई हेक्टर काफी पहले से चलती आ रही है, लेकिन इसका जो एक्सशोरूम प्राइस है ना, मतलब हेक्टर की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो भाई 13,50,000 के करीब है। लेकिन ये ब्लैक स्टॉर्म वाला वेरिएंट है भाई हेक्टर ने इसमें भाई ये जो लॉन्च किया ना, ब्लैक स्टॉर्म रिलीज़ करने का मेनली भाई ये पर्पज़ है। टाटा की आपने देखा होगा सफारी आ रही है, हैरियर आ रही है, तो मेन इसकी भाई कंपटीशन में टाटा की हैरियर आती है। XUV 700 हो गई, ये सब भाई इसके कॉम्पिटिशन में आते हैं। तो हेक्टर में भाई क्या क्या दिया गया, ब्लैक स्टॉर्म भाई नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ब्लैक स्टॉर्म मतलब ब्लैक एडिशन और ब्लैक कलर। तो गाड़ी की लुक वगैरह देख सकते हो, एकदम पूरी एकदम माफिया वाली गाड़ी लग रही है भाई। ब्लैक कलर भाई जिस भी गाड़ी पर आजकल चढ़ जाता है ना, उसकी मतलब वैल्यू बढ़ जाती है। तो गाड़ी की अगर एक्सशोरूम प्राइस की बात करूँ ना, MG वाले जो भाई अभी प्राइस बोल रहे ऐसा आई नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से भाई वो 21 लाख के करीब आपको इसकी एक्शन होम प्राइस देखने को मिलेगी। तो टाटा हैरियर से भाई सीधा सीधा इसका कंपटीशन है। MG को भाई थोड़ी चाइनीज कंपनी बोल के थोड़ा सा लोग वो कर रहे हैं, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है, जैसे कि आपने देखा होगा MG की कॉमेट है, ये थोड़ी सी उतनी ज़्यादा चली नहीं, लेकिन फिर भी हेक्टर है ना, हेक्टर का अच्छा खासा चल रहा। सो भाई अपनी नई हेक्टर ब्लैक स्टॉर्म में आपको क्या क्या मिलता है, फीचर्स इसमें क्या क्या दिए गए हैं, इसमें क्या क्या चेंज किया गया और जिस प्राइस रेंज पर आ रही है वो जस्टिफाई हो रही है कि नहीं भाई, वो भाई आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले भाई इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए ना, तो फ्रंट से गाड़ी कुछ ऐसे दिखती है, MG का लोगो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ग्रिल की बात की जाए तो ग्रिल में भाई ये ब्लैक में देख सकते हो, ये जो क्रोम की फिनिश दी गई है ना, मतलब एक डायमंड कट टाइप की, वो भाई देखने में काफी अच्छी लग रही है। साथ ही में यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे एक कैमरा है, मतलब आगे के साइड में कैमरा है, मतलब एडास वगैरह इसमें है, और 360 डिग्री कैमरा का पूरा फीचर वगैरह भी होना ही चाहिए। तो मैंने भाई आपको इसकी कीज नहीं दिखाई, तो कीज की बात करूँ कुछ ऐसा कीज आपको MG की तरफ से मिलता है, MG का लोगो देखने को मिल जाता है, लॉक अनलॉक, और ये आपकी बूट की होगी। दो भाई कुछ ऐसे आपको कीज मिलते हैं, तो कीज भाई MG तो स्टार्टिंग से काफी प्रीमियम देते आ रहा है। बाकी गाड़ी की अगर फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पे भाई आपको इसके DRL विथ इंडिकेटर दोनों का सेटअप आपको यहाँ पे दिया गया है। नीचे के साइड भाई देख सकते हो लाइट्स के सेटअप हो गए, आपको प्रोजेक्टर LED लैंप्स के सेटअप दिए गए, और नीचे की साइड अपनी फॉग लैंप आ जाती है जो कि कॉर्निंग फॉग लैंप दी गई है। यहाँ पे क्रोम की पूरी वो देख सकते हो, क्रोम का जो पार्ट दिया गया ना वो देखने में काफी अच्छा लग रहा है, मतलब गाड़ी की जो लुक है ना एकदम एक आ रही है, निखर के आ रही है। ये साइड भी भाई आपको सेम लाइट्स के वही सेटअप देखने को मिलते हैं, LED प्रोजेक्टर लाइट्स हो गए, नीचे के साइड आपका फॉग लाइट हो गया, आगे के साइड भाई आपको इसमें 1 और 2 आगे के साइड भाई इसमें आपको 2 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलते हैं। बाकी ग्रिल वगैरह देख सकते हो, गाड़ी तो काफ़ी खतरनाक लग रही है। MG की गाड़ी है भाई तो गाड़ी अच्छी रहती है। वहाँ पे आप देख सकते हो भाई अडास वगैरह के लिए पूरा यहाँ पे सिस्टम दिया गया है। तो ये तो हो गई भाई इसकी फ्रंट प्रोफाइल। अगर इसकी साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो साइड से गाड़ी कुछ ऐसे दिखती है। 5 सीटर वाला वेरियंट है इसमें भाई, 2 वेरियंट आता है, 1 5 सीटर और 1 7 सीटर। 7 सीटर भाई ये 5 वाला ये है। तो 5 सीटर में आप मतलब पीछे का आपको बूट स्पेस ज़्यादा मिल जाता है, सीट्स वगैरह नहीं है, 7 सीटर में पीछे सीट्स मिल जाती है। तो सबसे पहले अगर इसके टायर प्रोफाइल की बात की जाए ना, तो देख सकते हो भाई कुछ ऐसा आपको इसमें अलॉयज देखने को मिलता है। 18 इंचेस के टायर आपको इसमें दिए गए, 18 इंचेस के टायर्स भाई गुडियर कंपनी के, साथ ही में अलॉयज देख सकते हो, पूरा ब्लैक एडिशन है तो ब्लैक में ही। साथ ही में इसमें जो डिस्क ब्रेक मिलता है ना भाई, इसमें आपको 1 2 4 व्हील्स में आपको इसमें डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, और रेड कलर का ये जो कैलिपर दिया गया ना, पूरी मतलब स्पोर्ट्स एडिशन की याद दिला रही है। तो साइड से भाई गाड़ी अपनी कुछ ऐसे दिखती है, वर्बिम्स वगैरह आपको ब्लैक पियानो फिनिश में देखने को मिल जाएंगे, और भाई गाड़ी के करीब जाओगे गाड़ी अपनी अनलॉक हो जाएगी। और उसमें भाई आपको यहाँ पे LED इंडिकेटर का सेटअप दिया गया है। नीचे के साइड एक कैमरा मिलता है जो कि 360 डिग्री में काम आने वाला है। कीलेस एंट्री वाली कार है भाई, पैसिव एंट्री का आपको फीचर दिया गया है। यहाँ पे इसका रिक्वेस्ट सेंसर है। बाकी यहाँ पे क्रोम की जो पूरी लाइनिंग है ना वो देख सकते हो, वो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ये कुछ गाड़ी की साइड प्रोफाइल है। यहाँ पे भाई मॉरिस गैराज आपको लिख के आता है पूरी क्रोम प्लेट पे। पीछे के साइड भी भाई आपको सेम फीचर दिए गए, देख सकते हो अलॉयज व्हील वगैरह। पीछे के साइड भी आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं 18 इंचेस के टायर से। यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक हो गया। तो रियर प्रोफाइल से भाई गाड़ी कुछ है तो ये ब्लैक स्टॉर्म का रियर प्रोफाइल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें भाई आपको कनेक्टिंग LED टेल लाइट देखने को मिलते हैं, जो कि आप गाड़ी जब वो करोगे ना, ऑन होगी आपकी तो आपको वो दिख रही होगी। तो कनेक्टिंग LED टेल लाइट का फीचर आपको इसमें दिया गया। यहाँ पे भाई इसमें LED इंडिकेटर के सेटअप्स भी मिलते हैं, और भाई ये आपकी रियर लाइट वगैरह हो गई। तो पीछे से भाई गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है आपको, यहाँ पे MG का लोगो देखने को मिल जाता है, साथ ही में कनेक्टिंग LED के लाइट हो गई। हेक्टर की बैजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। पीछे के साइड आपको यहाँ पे एक कैमरा देखने को मिलता है जो कि रिवर्स के लिए। पार्किंग सेंसर्स की अगर बात की जाए ना, तो पीछे के साइड आपको 1 2 3 4 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं। बाकी ये जो क्रोम का जो स्किड प्लेट दिया हो गया ना, या डिफ्यूजर बोल सकते हो, वो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे भाई एयर वेंट के लिए दिया हो गया, कोई भी आपको इसमें एग्जॉस्ट वगैरह वो टाइप का नहीं मिलता, क्योंकि एग्जॉस्ट का दूसरा। नीचे के साइड भाई आपको इसमें बैकलाइट मिल जाती है, बाकी वो रिफ्लेक्टर पूरा रेड कलर का देख सकते हो, MG का लोगो देख सकते हो। पीछे के साइड भाई आपको इसमें रियर वाइपर, रियर डिफॉगर, स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटीना एंड स्पॉइलर सब कुछ दिया गया, मतलब जो जो दे सकते थे ना वो सब MG वालों ने इसमें दिया है।
तो बूट के लिए भाई बूट एसेस करने के लिए जस्ट वन क्लिक करना है और बूट आपकी ये पूरी खुल जाएगी। तो ये 5 सीटर वाला वैरेंट है, इसमें बूट स्पेस काफ़ी अच्छी आती है और मतलब हैरियर में जो आपको मिलता है ना सेम वही बूट स्पेस आपको इसमें भी मिलता है। पीछे साइड भाई आपको इसमें एक लाइट भी दी गई है जो कि रात को काम आने वाली है। बाकी अगर इसके स्पेयर टायर की बात की जाए ना तो वो भाई पूरा यहाँ पर टूल वगैरह है ना काफ़ी अरेंज करके देते हैं MG वाले, तो टूल वगैरह यहाँ पे पूरा टूल किट वगैरह सब कुछ दी गई है। ये आप देख सकते हो जैसे नॉर्मल कार्स में क्या आता है पार्सल ट्रे आता है ना, लेकिन प्रीमियम कार्स जब आप लेने जाओगे तो वहाँ पे आपको ये वाला पूरा मिलेगा सिस्टम पूरा फोल्ड वोल्ड करने का। गाड़ी के बूट को अगर लॉक करना है जस्ट वन क्लिक करो, गाड़ी की बूट अपनी लॉक हो जाएगी भाई। ऑटोमेटिक टेल गेट होने का ना यही सबसे ज़्यादा फायदा है, हाथ में अगर आपके सामान वगैरह हो फिर भी एक हाथ तो लगाना ही पड़ेगा। तो ये कुछ देख सकते हो गाड़ी की भाई रियर प्रोफाइल को जैसे साइड प्रोफाइल वगैरह मैंने आपको दिखा दिया। तो चलिए अब गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं गाड़ी में क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। तो पैसिव एंट्री वाला है भाई, चाबी जिस हाथ में रखनी है गाड़ी अपनी अनलॉक हो जाएगी। तो अगर इंटीरियर की बात की जाए ना तो देख सकते हो भाई काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर MG हेक्टर में आता था और अभी भी आता है। तो सबसे पहले इसके अगर डोर्स की बात की जाए यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिलता है, साथ ही में चारों पावर विंडोज के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। एक आपको ऑटो डाउन हो गया, बाकी यहाँ पे लॉक अनलॉक के लिए यहाँ पे भाई आपको एक स्पीकर मिलता है, एक ट्विटर दिया गया जो कि इन्फिनिटी का है और यहाँ पे भी नीचे के साइड भी बॉटल होल्डर्स के लिए भाई आपको यहाँ पे जगह दी गई है। बाकी ये पूरा यहाँ पे सॉफ्ट टच लगा हुआ है, सॉफ्ट कपड़ा। सीट्स वगैरह की अगर बात की जाए तो सीट्स को भाई इलेक्ट्रॉनिक सीट्स का आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिलता है, जस्ट क्लिक करो सीट अपनी आगे पीछे हो जाएगी, यहाँ से रिक्लाइन वगैरह कर सकते हो। और भाई यहाँ पे आपको पूरे इलेक्ट्रॉनिक सीट का फीचर दिया गया। गाड़ी अपने ऑटोमेटिक है तो इसमें कोई भी भाई आपको क्लच नहीं दिख रहा होगा, लेकिन डेड पैडल इसमें जरूर मिलता है जी। है ना, फीचर्स इतने ज़्यादा देता है ना वो आप मैं बता ही नहीं सकता हूँ, इतने ज़्यादा फीचर्स देता है कि आप उसे काउंट ही नहीं कर पाओगे। मतलब डिस्प्ले देख रहे हो यार, पूरी 32 इंच की LED TV ला के रख दिया MG ने, ऐसा यहाँ पे देखने में लग रहा है। तो स्क्रीन काफ़ी बड़ा है यार, मतलब इतनी बड़ी स्क्रीन में क्या क्या है, कितने सारे फीचर्स है वो भाई बताते बताते ना रात हो जाएगा, अभी तो दिन है लेकिन रात हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले अगर इसके इंटीरियर की बात करूँ तो MG का लोगो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। स्टीयरिंग पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, आपका वॉल्यूम वगैरह क्रूज फ्रूज जितने सारे कंट्रोल्स है ना टेलीफोनिक वगैरह के सब मिल जाते हैं भाई। स्टीयरिंग पे पूरा एकदम लेदर रैप किया गया है। MG भाई गाड़ी बनाता है प्रीमियम, मानो या मत मानो MG गाड़ी प्रीमियम बनाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये साइड भाई आपको यहाँ पे इसके ओवरबम्स के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि डोर्स में नहीं यहाँ पे दिए गए। यहाँ पे भाई लाइट के हाइट को एडजस्ट कर सकते हो, बूट को यहाँ से एसेस कर सकते हो, यहाँ पे भाई बाकी पूरा सिस्टम वगैरह दिया गया है। AC के वेंट कुछ ऐसे दिए गए, मतलब देख रहे हो कितने बड़े बड़े AC के वेंट्स दिए गए, ब्लैक पियानो फिनिश दी गई। गाड़ी तो पूरी ब्लैक स्ट्रॉम है तो ब्लैक ही होगा ना, और तो कोई कलर होगा नहीं। ये सर भाई आपको इसमें इसके लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं जो कि भाई ऑटो हेडलाइट मिलता है, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर मिलता है। इसकी स्क्रीन वगैरह तो मैं आपको सब दिखा रहा हूँ लेकिन इसकी MID नहीं ऑन की अभी तक, तो पहले इसकी MID को ऑन करते हैं। यहाँ पे भाई इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिलता है, जस्ट वन क्लिक करना है और ये भाई पूरी MID और पूरी विश यू हैव अ लवली डे पूरा भाई ग्लोब बन के आ जाता है इतना बड़ा। मतलब देख सकते हो फीचर्स भाई इतने सारे हैं ना आप बिलीव नहीं करोगे। तो चलिए इसके MID को ऑन करते थे। MID को भाई ऑन करने के लिए जस्ट यहाँ पे देख सकते हो भाई 33.9 degrees भाई वेदर वगैरह सब कुछ बता रही है। वॉल्यूम इसका बंद करो पहले, बहुत ज्यादा बोलती है MG। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई कुछ ऐसा आपको इसमें MID देखने को मिलता है, पूरी डिजिटल MID दी गई है भाई। गेट वगैरह क्या ओपन है सब कुछ आ जाती है, स्पीडोमीटर टैकोमीटर सब भाई पूरी डिजिटल है। ओ भैया सिरी वगैरह वॉइस असिस्टेंट है भाई, इसमें बंद करो पहले यार इसको, इसके साउंड को पहले पूरा म्यूट करता हूँ, बहुत ज्यादा बोलती है। फ्यूल लेवल के लिए भाई यहाँ पे देखो, मतलब फ्यूल लेवल लो था, गाड़ी ने भाई बगल के जितने पेट्रोल पंप है वो बता दिया। अभी मैं कोलकाता में हूँ तो कोलकाता के जितने पेट्रोल पंप है भाई वो सब यहाँ पे आ गए। और भाई मैं जो बोल रहा हूँ ये सुन रही है, इसे बंद करना पड़ेगा यार, नहीं तो ये बार बार सुनती रहेगी और कुछ ना कुछ आते रहेगा यहाँ पे। तो भाई इसमें अडास आता है तो अडास के लिए भाई यहाँ पे देख सकते हो गाड़ी अपनी बन के आ चुकी है अडास के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई TPMS का फीचर आता है। MG की गाड़ी में फीचर की कोई कमी नहीं होने वाली, TPMS का फीचर हो गया, ड्राइविंग टाइम हो गया, रेंज हो गया, ट्रिप हो गया, AB जितनी है अडास वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ जाती है बनके। और इसकी स्क्रीन की बात करूँ ना तो वो भाई आप थक जाओगे, इसमें इतने सारे एप्लीकेशन है, इतना सारा इसमें सब कुछ दिया गया ना, मतलब किसी बच्चे को अगर आप बैठा दोगे ना गाड़ी में वो भाई बोर नहीं होगा गाड़ी में, इतने सारा इसमें चीज है। प्ले स्टोर, BT, एंड्रॉयड और ट्रिपल कार प्ले तो छोटी चीज हो गई भाई MG वालों के लिए आज के डेट में, मतलब ये सब छोटी चीज है। उनके सामने अगर ये सब बात करूंगा बोले मेरे सामने मत बात करो। यहाँ पे देख सकते हो एंड्रॉयड और ट्रिपल कार प्ले, वायरलेस नेविगेशन वगैरह जितनी सारी चीजें ना सब आ जाती है। साथ ही में मैंने आपको बताया इसमें भाई 360 डिग्री कैमरा वगैरह सब कुछ मिलता है। 360 डिग्री पे जैसे ही क्लिक करूंगा ना, मतलब देख सकते हैं इतनी बड़ी स्क्रीन में अगर आप 360 देखोगे और फिर भी अगर आपकी गाड़ी कहीं टकरा रही है तो आपसे नूब ड्राइवर कोई नहीं हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हो यार पूरी 360 की आपको पूरी व्यू देखने को मिल जाएगी। जो साइड आप यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया ये साइड आ गई, ऐसे क्लिक किया ऐसे, और ये भाई पूरी ओरिजिनल है क्योंकि अपने पीछे देखो MG JDCV लगी हुई है, पीछे JDCV लगी हुई है, मतलब 2D देख सकते हो, 3D देख सकते हो, यहाँ से बंद भी कर सकते हो।
तो ये अपना पूरा सिस्टम दिया गया है। सनरूफ वगैरह अगले भाई आप वॉइस कमांड से सब कुछ कर सकते हो। सनरूफ मैंने आपको इसको नहीं दिखाया ना, ये देखो भाई पैनारोमिक सनरूफ, मतलब कोई बोल सकता है क्या कि मतलब एमजी में क्या नहीं है, ये बताओ क्या नहीं है, सब कुछ दिया गया है। और जो सबसे मेन इसकी जो कॉकपिट है ना वो इतनी भाई प्रीमियम है, इतनी प्रीमियम है देख सकते हो, मतलब ये देख सकते हो गियरबॉक्स सीवीटी आता है, पेट्रोल वाला वेरिएंट है, पूरा गियरबॉक्स देख सकते हो, मतलब यार ऐसे हाथ में पकड़ के ऐसे चलाऊंगा ना लगेगा पूरा प्लेन में बैठा हुआ, प्लेन उड़ा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो भाई पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड, आप इसे मैनुअल भी चला सकते हो, इको मोड साथ ही में यहाँ पे क्या दिया हुआ है आप बता दोगे, बता दो, वायरलेस चार्जर दिया हुआ और क्या होगा। यहाँ पे भाई सारे बटन्स के वेंटिलेटेड सीट्स भी इसमें आते हैं, बताना भूल गया भाई, पैसेंजर साइड और ड्राइवर साइड दोनों साइड वेंटिलेटेड सीट्स आते हैं, एसी के हो गए, ट्रैक्शन वगैरह के हो गए। यहाँ पे भाई क्या है, यहाँ पे आपका बॉटल होल्डर्स पूरी मतलब मर्सिडीज वाली दी गई है, देख रहे हो। यहाँ पे भाई इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक देखने को मिलता है जो कि भाई काफी प्रीमियम फीचर है। पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे दिया गया, क्योंकि गाड़ी भाई अगर ऐसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में रहेगी ना, अभी तो ट्रैफिक नहीं है फिर भी रहेगी, तो इसमें टी 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 करता रहेगा, वो भाई यहाँ पे आप ऑफ कर सकते हो। आर्मरेस्ट देख रहे हो कितना प्रीमियम है, इसे खोल भी सकते हो, खोल के अंदर इसमें पता है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, मतलब फोन को चार्ज में लगा के इसके अंदर रख दो, आर्मरेस्ट ऐसे बंद कर दो, गाड़ी को भगाओ 200 पे, मजा आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो इसके पूरे कंट्रोल्स वगैरह और इसका टच वगैरह, वो सब बात तो नहीं करनी चाहिए क्योंकि टच वगैरह जो इसका है वो भाई कोई नहीं दे सकता है। एसी वेंट वगैरह देख सकते हो, इतने बड़े बड़े एसी वेंट है ना कि भाई गर्मी में क्या इसे आप सहारा डिजर्ट के पास लेके चल जाओ, वहां भी कुछ नहीं होने वाला है। सेफ्टी भाई एमजी अच्छी खासी दे रही है, एयरबैग्स वगैरह तो भर भर के इस गाड़ी में दिए गए, वो साइड भाई ट्विटर स्पीकर, गेट में दो दो स्पीकर, वहां पे पावर विंडोज के कंट्रोल्स, पूरा ब्लैक पियानो फिनिश, और ये जो पूरा दिया गया ना काफी अच्छा इंटीरियर लग रहा है। ग्लव बॉक्स भाई यहाँ पे देख सकते हो, ऐसा कुछ ग्लव बॉक्स है, इसमें लाइट वगैरह क्यों नहीं दिए पता नहीं, वो भी देना भूल गए होंगे शायद गलती से। तो यहाँ पे वाइजर में भाई आपको एक मिरर मिलता है जो कि लाइट के साथ मिलता है, यही तो खासियत है एमजी की। ये साइड भी मिलेगा भाई, लाइट तो 100% होनी है। यहाँ पे देख सकते हो भाई ऑटो डिमिंग आईआरवीएम का फीचर मिलता है, सनरूफ के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए, लाइट वगैरह के यहाँ पे दिए गए, पूरी एलईडी, कोई हैलोजन वेलोजन अब हम लोग यूज ही नहीं करते, एमजी का सीधा करना है। सनरूफ को अगर बंद करना है भाई यहाँ पे जस्ट ऐसे क्लिक करके रखना है, आपकी सनरूफ पूरी खुल जाएगी। सनरूफ को बंद करना है भाई जैसे आगे क्लिक करके रखो। और भाई यहाँ पे क्या पता है, एक्टर जो चलाएंगे वो चश्मे भी तो लगाएंगे, तो उनके लिए भाई यहाँ पे दिया गया। बाकी भाई आगे का पूरा इतना तामझाम है, ऑटोमेटिक गाड़ी अपनी सीवीटी है, पूरा मैंने आपको इसका इंटीरियर वगैरह दिखा दिया। तो हो गई भाइयों इसकी फ्रंट प्रोफाइल, चलिए इसके रियर प्रोफाइल में चलते हैं और गाड़ी को एक बार और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि भाई पीछे के साइड इसमें क्या क्या दिया गया है। इसके रियर प्रोफाइल में चलते हैं, पहले गाड़ी भाई थोड़ी ऊंची है लेकिन चलता है भाई, एयर एयर कॉम्पिटिशन है ना, तो भाई ये कुछ ऐसा इसका पूरा रियर प्रोफाइल दिया गया। यहाँ पे देख सकते हो भाई पीछे के सीट्स को भी आप यहाँ से इसके हाइट को मतलब ऊपर कर सकते हो, मतलब ये फीचर काफ़ी अच्छा है। पीछे के सीट्स में भाई पहली बार देख रहा हूँ। यहाँ पे भाई पावर विंडोज के कंट्रोल्स जाते हैं, यहाँ पे पूरा सॉफ्ट टच दिया गया, लेदर का यूज़ किया, बॉटल होल्डर्स, ट्विटर, नीचे के साइड स्पीकर। तो पीछे चलिए बैठ कर देखते हैं क्या इसका लेग स्पेस वगैरह है, क्या सीटिंग पोजिशन है। तो गाड़ी को बंद करते हैं, बंद नहीं हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ पीछे का पूरा तामझाम दिया गया भाई। पीछे की साइड आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट भी मिलता है जिसमें आप दो अपना कप होल्डर रख के आराम से ड्राइव को एंजॉय करो। एसी वेंट्स मिलते हैं आपको, साथ ही में यहाँ पे भाई चार्जिंग के लिए सॉकेट भी मिलता है। बाकी लेग स्पेस तो भाई काफी अच्छी है, बहुत ज्यादा है, मतलब हैरियर के भाई कमाल की गाड़ी, हैरियर के जैसी लेग स्पेस इसमें भी आपको मिलती है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो पूरा ये पैनारोमिक सनरूफ है, कितना बड़ा सनरूफ है। अब आप सोच रहे हो भाई इसमें पत्थर वत्थर गिरेगा तो क्या होगा, भाई ये काफी मजबूत होते हैं, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हो भाई एलईडी लाइट्स, वो साइड भी आपको रीडिंग लैम्प्स, एयरबैग। यहाँ पे पीछे का पूरा तामझाम देख सकते हो, पीछे भाई कुछ ऐसी आपको इसमें पार्सल ट्रे मिल जाती है जो कि भाई आपको नॉर्मल गाड़ियों में यहाँ पे क्या वो मिलता है, लेकिन यहाँ पे ये प्रीमियम है। साथ ही में भाई यहाँ पे एक ग्लास देख सकते हो, बाहर अपना एंजॉय वगैरह कर सकते हो जो अब आप कहीं घूमने के लिए जाओगे तो। वो डोर्स में भी सेम आपको भाई पीछे की साइड यहाँ पे पूरा सॉफ्ट टच यूज किया गया है। पावर विंडोज के कंट्रोल्स, इन्फिनिटी के भाई आपको इसमें ट्विटर देखने को मिलते हैं, नीचे की साइड एक स्पीकर देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ ऐसा पूरा इंटीरियर है भाई, देख सकते हो पीछे से भाई अपनी एमजी की हेक्टर ऐसी लगती है, ब्लैक स्टॉर्म काफी अच्छा है, देख के मजा आ गया। तो आपको एमजी की हेक्टर ब्लैक स्टॉर्म, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं फिर और किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।